हर एक दिन एक नई किरण के साथ, एक नए समय के साथ, एक नए बदलाव के साथ एक नया मोड़ लेकर आता है। हर एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन कल से बेहतर होगा, आज तो हमारा काम हो जाएगा। हर एक दिन हम एक नया कदम चलते हैं एक अच्छी चीज़ की ओर। जहाँ हम 5 साल पहले थे, आज हम वहाँ नहीं हैं, और जहाँ हम 5 साल बाद होंगे, आज भी हम वहाँ नहीं हैं। हर दिन हम उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा, और उसी के साथ मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ आज का उदयपुर में। मेरा ये उदयपुर 3rd time है, बट मैं इस वक्त भी कुछ नया दिखाऊंगी आप लोगों को इस ब्लॉग में। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, गुड मॉर्निंग विद दिस व्यू। आई एम स्टेइंग विद लेक शोर एंड ये व्यू है। सिर्फ यहाँ से नहीं, अगर मैं यहाँ से भी जाऊँ तो यही व्यू है। Isn't it beautiful? इन रूम को मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, राइट? सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ है बिकॉज आई वॉज एडिटिंग। आई स्लेप्ट लाइक हियर विद व्यू। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर जयपुर। मैंने यही चीज़ें मैं ऑलरेडी, मतलब आई मीन उदयपुर में, मैं ऑलरेडी उदयपुर एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, सिटी पैलेस एंड ऑल, पर कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं आज। सो गाइज, आई वेयर दिस अटायर ओनली फॉर द शूट पर्पज, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल अटायर बाय, आई विल शेयर द पेज। उनका नया पेज है इस पे इंस्टाग्राम पे, आई शेयर द पेज विद यू पीपल। फिलहाल मैं व्यू का मज़ा ले रही हूँ मेरे सामने, एंड इट्स अमेजिंग। मतलब मैं हाथ निकाल के बैठी हूँ फ़ोन पे, मुझे उसमें भी डर लग रहा है। सो दिस इज़ द लेक शोर कैफ़े, एंड ऑब्वियसली मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो आप लोगों ने मेरे रील्स अगर आप देखते हो इंस्टाग्राम पे तो देखा होगा, नहीं तो नहीं देखा होगा। ये नया बना है ना अभी, हाँ मेरे टाइम पर नहीं था। एंड यू नो इट्स रियली पॉकेट फ्रेंडली, दे हैव ऑल द प्रिविलेजेस विद देम। मैं आपको उनके मेन्यू भी दिखा देती हूँ। आज रूम चेंज करना है ना मैंने, तो कुछ आ रहे ना शायद गेस्ट आज आपके वहाँ पे उस रूम में, तो युवराज भैया से पूछ लेना कौन सा रूम। सो दीज आर द चार्जेस, लाइक दिस इज द मेन्यू, इट्स नॉट क्लोजली एट ऑल। आपको अपना मेन्यू अब चेंज करने की ज़रूरत है, बोला है? अच्छा, एंड यू नो विद द सिटिंग फैसिलिटीज अराउंड 60 to 70 पीपल, मोर देन 60 to 80 बंदे तो आ जाते होंगे भैया यहाँ पे, 60 to 80 पीपल आ जाते होंगे, है ना? एंड विद दिस व्यू, ये सामने इस गेट को क्या कहते हैं? अमराई क्या? अच्छा, गेट का नाम याद नहीं आ रहा आपको? चलो 2 मिनट लेके याद कर लो। सिटी पैलेस हो रहा, ठीक है, आज मैं बोटिंग करने जाऊंगी, एंड मतलब लुक क्या, गंगोर घाट। अच्छा, तो गंगोर घाट, और इसका क्या नाम है लेक का? पिचोला लेक। हाँ, दिस इज लेक पिचोला। सो होपफुली यू लाइक द व्यू एंड एवरीथिंग अबाउट द प्लेस, है ना? इट्स अमेजिंग। सो मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन उदयपुर आ चुका है। अगर आप लेक शोर गलती से आ चुके हो, अगर आ चुके हो और आपको मेरा रूम पसंद भी आया है, तो मुझे वो भी कमेंट करके बताओ फटाफट से। तब तक मैं इसके बाद आपको सीधा व्यू दिखाने वाली हूँ दूसरी जगह का। सो लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज़ द रूम फॉर द नाइट। ये लेक शोर का दूसरा रूम है। मैंने कपड़े थोड़े से बफेरे में, बिकॉज आई वॉज शूटिंग इन दिस क्लॉथ इन द मॉर्निंग, एंड अगेन विंडो यहाँ पर भी है, दिस इज़ द अदर रूम। यहाँ पर भी कैपेसिटी अराउंड जो है वो 3 to 4 लोगों की है, मतलब 3 लोग तो 1, 2, 3 हो ही सकता है। कपल्स को ज़्यादा प्यार आएगा तो यहाँ एक साथ सोचेंगे कि सो कीड़ा है जो घूम रहा है इधर, कीड़ा पकड़ में नहीं आ रहा लेंस के, अब आया हल्का। सो लेट्स गो टू अदर प्लेस ऑफ द डे। सो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दूध तले, या और
मैं जा रही हूँ ऑटो में, क्योंकि यहाँ पे या तो आप स्कूटी लो किराए पे, पर डे स्कूटी के 800 रुपये पड़ते हैं किराए के, और बाइक की भी 800 रुपये है, स्कूटी फिर भी थोड़ा सा 700 रुपये कर देते हैं, और पेट्रोल डलवाने जाने के लिए आपको कम से कम 500 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल आउटर साइड पर है। तो ऑटो तुम्हें सस्ता मिलेगा अगर, और एक ही दिन के लिए तुम लोगों ने पूरा ट्रैवल करना है, ऑटो का किराया तुम्हें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपये आपको स्कूटी पड़ जाएगी, ऑटो पड़ जाएगा आपको 200-250 रुपये में। देन अभी हम दूधलिया जा रहे हैं रोपवे पे। मैंने यहाँ पर रोपवे पिछली बार कवर नहीं करा था, मैं आपको उदयपुर का लास्ट व्लॉग ना यहाँ पर शेयर करूँगी अपने नीचे सेक्शन में, सो दैट आप मेरा लास्ट व्लॉग भी देख पाओ उदयपुर के। सो गाइस, इस वक्त मैं ओल्ड सिटी में हूँ, सारी ओल्ड सिटी है उदयपुर की, ये सारी ओल्ड गलियाँ उदयपुर की, तो पहले ये बसी थी, फिर बाद में जिस साइड हम लोग उस साइड आए, मतलब मैं हूँ इस वक्त लाइक शोर के साथ, तो फिर बाद में वो बसी, सो दिस इज़ ऑल ओल्ड सिटी। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ खुद। जाने का रास्ता, और मैंने पहना आज लहंगा, और ये मेरी आइसक्रीम टोकन में दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। वही रास्ता तो वही है जो बाहर से जा रहा रास्ता, पक्का यही है। चलो चलो फिर। ये नहीं पता मुझे क्या है। अच्छा ये तो धुआ ना जो लेक थी, धुला लेक, कौन सी लेक है ये? याद नहीं। भैया बता तो रहे थे ऑटो वाले, और वो उधर पैरिस है, आई मीन सिटी पैलेस। अभी तो ऑटो घूम के आया यहाँ से हमारा, और वहाँ हम रह रहे हैं, वो जगह, हाँ जगदीश, दक्ष जगदीश, हाँ जग मंदिर, हाँ हो गया। ये भी मेरा रोपवे में है क्या ऊपर जाके, मुझे सच्ची नहीं पता ऊपर क्या है। मंदिर है ऊपर यार, मंदिर मंदिर सा लग रहा है। आज बहुत सारी शिप्स चल रही है, बोट्स चल रही है, मतलब मैंने बहुत कम देखी है, मैं कोविड के टाइम पे आई हूँ ना। दैट इज़ एक्चुअली मानसून पैलेस, और पता है उसका रास्ता पूरा पहाड़ी वाला है, आप मेरी लास्ट वीडियोज़ में चेक कर सकते हो वो वाली जगह। एंड इसके अलावा ना बाहुबली जो हिल्स हैं वो इसके मतलब इसी के पास से रास्ता निकलता है बाहुबली हिल्स का, वो तो बहुत ही सुंदर है, वो मैंने लास्ट उसमें आया ब्लॉग्स में। और ये रोपवे में हम लोग ऊपर पहुँचते हुए, इस रोपवे में एक उसमें 4 लोग से ज़्यादा बैठते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कैसे अलाउ होता है ये नहीं। ओके मैं डेस्टिनेशन आ गई, हाँ चले ध्यान से। यहाँ पे ना मंदिर मस्जिद और ये किला एक साथ पड़ता है, एंड यहाँ पे मंदिर की एंट्री है, इसका नाम है मंशा पूर्ण करनी, और ये आपको भी दिखेगा मतलब नज़ारा अगर आप इतनी ऊपर आते हो। वैसे वर्ड्स कमिंग है, बट अगर आप उसके चार्जेस पूछोगे ना ट्रॉली के, तो वो 117 रुपये पर पर्सन है एक साइड का, तो पैदल जाने का पैदल का भी रास्ता है, मतलब वापस जाने का पैदल का भी रास्ता है, अगर आपको पैदल जाना है। इनकी ट्रिक्स है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इन्होंने VR बनाया हुआ, गेमिंग जोन, मसाज पार्लर, ईटिंग जोन, पीछे भी मैंने ईटिंग जोन है सारा का सारा। और पता है इनकी ट्रिक्स क्या है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पे जो ऊपर ना वहाँ पे एक नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, उस स्क्रीन पे जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता ना एग्जैक्टली ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तब तक आप यहाँ पे जो गाना चल रहा है ना वो करने के लिए बोलते हैं लोग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गाना नहीं सुनाई दे रहा तो वो खाना सुना, आपने खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। और एक साइड का मतलब 117 है, और जाने का भी वो इसी में इंक्लूडेड है, 117 लिख जाने का। यहीं से हो आप? कितना टाइम हो गया आपको? 30 साल हो गए। नारियल पानी बेचते हुए यहीं पे? नारियल पानी बुट्टे। ये कितने का है एक? क्या नारियल? 60 रुपए का। यहाँ बहुत महंगा है।
60 rupees का. अरे सही है. हम 40 में पीते हैं बताएं. मेरे यहाँ पे मापेली भी है. सो नेक्स्ट एक्टिविटी है बोटिंग, जिसकी टिकट रेट है पर पर्सन 165. गवर्नमेंट बोटिंग सस्ती है अगर आप यहाँ आ रहे हो, अगर अगर आप पैसे ज़्यादा नहीं खर्चना चाहते हो, क्योंकि दूसरी बोटिंग पड़ेगी आपको सिटी पैलेस से 800 के आसपास पर पर्सन. सो लेट्स गो फॉर बोटिंग. वन वे okay. So guys, ये ना मेरे सामने सिटी पैलेस का व्यू. यहाँ से भी बहुत चलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ. इस बार बहुत भीड़ है, पर जब मैंने रिकॉर्डिंग करी थी तब भीड़ बहुत कम थी. और वहाँ पे स्टे है, और ये सिर्फ बोट पे घुमाने वाली जगह है, क्योंकि शायद मेरा लेक वाला भी है, लेक शोर वाला. आई शो यू दैट एज वेल. इस बार बहुत सारी बोट्स हैं यार. मेरे सामने जग मंदिर है. अगर आपको जग मंदिर की वीडियो देखें तो पुरानी वीडियोस में है. आई गेस आज फंक्शन हो रहा है, नहीं तो आपको बोट छोड़ती है जग मंदिर के लिए. आप रुक सकते हैं जग मंदिर, बट ये बोट नहीं छोड़ती जो सिटी पैलेस से बोट निकलती है ना. टर्न विद द वॉक ऑफ 30, मतलब मैं ड्रेस चेंज कर चुकी बिकॉज द थिंग वाज मेरा लहंगा ही ऐसे ही हो चुकी थी, रोड बहुत खराब थी. एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर टुडे कीको. कीको ने हमें इनवाइट करा है फूड पे. देन एंड द थिंग इज लेक शोर, हाउ वाज द लेक शोर कमेंट करके बताओ. एंड हाउ वाज द, मतलब हैव यू डन विद द बोटिंग, कभी भी बोटिंग करी है, कहाँ पे करी? अगर आपने बोटिंग करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से, ना मैं नेक्स्ट सीजन जल्दी हूँ. मेरा ये कपड़ा बहुत सही है, मतलब गर्मी नहीं लग रही इसमें. सो गाइस, जब मैं सुबह शूट कर रही थी ना, तो एग्जैक्टली वो रहा मेरा स्टे लेक शोर, एग्जैक्टली वो रहा जहाँ मैं रुकी हूँ, लेक की वाली जगह. एंड वी इनटू दिस एरिया, इट वाज अमेजिंग. नाउ इट्स टाइम टू ईट समथिंग. कुछ नहीं खाया बहुत देर से, पानी भी पीना है. भैया पिज्ज़ा बना रहे हैं हमारे लिए, एंड इट्स वन अभी सुपर कूल. इनका एक सेल्फ मेड है ये जगह. मैं किको आ चुकी हूँ फूड के लिए आज के. हाय बिंटू, उदयपुर तो मैं पूछ चुकी हूँ, वो आपको ब्लॉग पे मुझे कमेंट करके बताओ. सो ऑब्वियसली मैं वापस पहुँच चुकी हूँ, एंड आई एम गोना टेक अ नैप, रेस्ट. आई मीन अ रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, एंड टुमारो आई एम गोइंग बैक होम. मुझे समझ नहीं आया, मेरे पापा ने मुझसे चारों टायर मंगवाए और आज कह रहे हैं मेरे को चाहिए ही नहीं. मैंने तो बोला ही नहीं पापा, मैंने तो आप ऐसा क्यों करते हो हर बार. आज स्प्रिंग रोल है ओके ये चीज रोल और ये पनीर टिक्का विद क्रैनबेरी जूस गाइस. सो इट्स गोना बी डे फॉर द डिनर विद द व्यू ऑब्वियसली. एंड मेरा ब्लॉग अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, बिकॉज आई एम गोना टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, एंड देन आई एम गोना एंड इट फॉर द डे. सो गाइस मैं ब्लॉग अभी यहीं पे खत्म करती हूँ इस ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ. और जहाँ पे मैं रुकी हूँ मैं उसके चार्जेस आपका, फाइनली आप लोगों ने इतना ब्लॉग देख लिया तो बता ही देती हूँ, क्योंकि कल से आप लोग वेट कर रहे होंगे. सो द चार्जेस फॉर द रूम आई एम स्टेइंग, आई वॉज स्टेइंग कल, वो पड़ता है आपको 2999 का. अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो, ऑन सीज़न में तो रूम ऑब्वियसली चेंज हो जाते हैं प्राइसेस. प्लस जिस रूम में मैं आ चुकी, जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया, दैट इज़ गोना कोस्ट यू छोटा वाला रूम अराउंड 2000 2500 के आसपास वो रूम पड़ेगा. एंड अगर आप बुक कर रहे हो तो आप डायरेक्ट लेक शोर पर वो कर सकते हो. मैं लेक शोर का इंस्टाग्राम हैंडल कर लूँ ताकि आप आराम से पूछ पाओ लेक शोर के. एंड होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लविंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग. और अब मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोना, इट्स लाइक यू नो आई एम गोना मिस दिस प्लेस. सी या.